नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 6 में रासायनिक अभिक्रियाओं में और आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने पढ़ी थी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया तक। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। कल जो पढ़ी थी उसमें ऑक्सीजन जिसमें जुड़ती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो अपचयन अभिक्रिया होती थी। इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या में परिभाषा क्या होती है ऑक्सीकरण की? ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और त्याग के स्थान पर यदि ग्रहण लिख देते हैं तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या से होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें त्याग के स्थान पर यदि हम ग्रहण लिखते हैं तो परिभाषा आती है अपचयन अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। तो परिभाषा होगी ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें इनके लिखना है एक एक समीकरण। समीकरण में ऑक्सीकरण में जैसे Na जो है सोडियम परमाणु 11 नंबर पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। यदि सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो बनेगा Na प्लस प्लस E माइनस। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उतने ही प्लस आएगा या धनावेश आएगा, जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि हमें संयोजकता याद है जैसे Mg2 प्लस आपको याद है तो इधर लिख देंगे Mg ऊपर 2 प्लस इसलिए 2E माइनस। ऐसे हम और भी बना सकते हैं जैसे Fe2 प्लस है Fe3 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन तीर के चिन्ह के सामने लिखा होगा प्लस करके तो वो अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में इन्हीं अभिक्रियाओं को हम पलट करके या विपरीत लिख सकते हैं। जैसे अगर हम पहले समीकरण को वापस लिखें तो Na प्लस प्लस ई माइनस इजिकल टू Na, तो ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। इन सभी अभिक्रियाओं को हम विपरीत करके लिख सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी भी लिख सकते हैं जैसे Cl ई माइनस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बनेगा Cl माइनस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो 288 हो जाता है। इसी प्रकार हम फ्लोरीन का भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन 2 और 7 होता है
जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो F माइनस बनेगा 2 और 8। अगर हम ऑक्सीजन का लिखें तो O 2 और 6 पर, कुल 8 होते हैं, 8 का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6 होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा क्योंकि 6 को 8 करने के लिए बाह्य कक्षक में अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने ही माइनस आएंगे, इसलिए ऑक्सीजन पर 2 माइनस होते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन तीर के चिन्ह के पीछे लिखा रहेगा तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है। अब समीकरण को देख करके हमें पता चल जाना चाहिए कि यह ऑक्सीकरण है या अपचयन है। तो यदि सवाल आता है इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या से ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाइए, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है, जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो ऑक्सीकरण होगा, जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अपचयन होगा। और यदि सिंपल आता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए, तो आपको कल जो हमने या नेक्स्ट क्लास में जो हमने लिखी थी वो लिखना है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऋण आयन में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, धन आयन में कमी होती है। इसलिए इस सवाल का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या से या सामान्य है। ये थी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या से। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक उत्प्रेरक कैटलाइसिस कहते हैं। उत्प्रेरक की परिभाषा होती है या उत्प्रेरक क्या कार्य करते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी विशेषता होती है वो स्वयं भाग नहीं लेते हैं। तो उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होती है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात वेग को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, वेग में परिवर्तन करते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। दैनिक जीवन में हम देखें, अगर थम्सअप की बोतल के अंदर थोड़ी सी मात्रा में नमक डालते हैं तो उसमें झाग तेजी से बनते हैं, तो वो जो थोड़ी सी मात्रा में नमक डाला गया है वो एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो उसमें घुली हुई CO2 गैस को तेजी से बाहर निकालने का कार्य करता है। यदि हम इसमें उदाहरण देखें तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, अगर इसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे बनती है KCl+O2 संतुलित करने के लिए या दो या तीन लगाते हैं। तो ये अभिक्रिया प्रारंभ में बहुत ही धीमी गति से होती है, लेकिन यदि इसमें हम थोड़ी सी मात्रा में MnO2 डालते हैं, MnO2 क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। फिर आता है उत्प्रेरक के गुण या उत्प्रेरक के लक्षण। पहला क्या होगा, पहला इसकी परिभाषा में उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन
अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। स्वयं भाग नहीं लेता लेकिन वेग में परिवर्तन करता है, जो परिभाषा है वही पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है कि उत्प्रेरक कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में अधिक सक्रिय होते हैं। अगर अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में भी उत्प्रेरक डालते हैं तो भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करवाते हैं या प्रारंभ करते हैं, वेग बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, अर्थात एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया के वेग को प्रेरित करता है, यानी एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को प्रेरित नहीं करेगा, केवल एक उत्प्रेरक इस विशेष अभिक्रिया को ही प्रेरित करेगा, वो होती है क्रिया विशिष्ट। चौथा होगा कि उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अभिक्रिया में अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है, समान रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे साम्य जल्दी से स्थापित हो जाता है। तो ये उत्प्रेरक के गुण होंगे। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक के गुण लिखिए, इस प्रकार सवाल आता है। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार, पहला होगा भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होंगे। उत्प्रेरक में भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी उत्प्रेरण, और दूसरा होगा विषमांगी उत्प्रेरण। दोनों में अंतर भी पूछते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण में। तो समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, जैसे हम अभी क्या समझते हैं, SO2 प्लस O2 SO3 NO। इसमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये उत्प्रेरक होता है। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी गैस है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस है, अर्थात ये क्रिया कारक है, ये उत्पाद है और ये उत्प्रेरक है। तो समांगी उत्प्रेरण किसे कहेंगे, ऐसा उत्प्रेरण जिसमें क्रिया कारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं या समान भौतिक अवस्था में, अर्थात क्रियाकारक गैस है तो उत्प्रेरक भी गैस होगा, क्रियाकारक ठोस है तो उत्प्रेरक भी ठोस होगा, क्रियाकारक द्रव है तो उत्प्रेरक भी द्रव होगा। तो ये
परिभाषा होगी ऐसा उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक तथा उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में होते हैं। उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब समान के स्थान पर यदि हम लिख देंगे अलग अलग होता है तो कौन सी आ जाएगी परिभाषा, विषमांगी की। तो एक परिभाषा याद करते हैं तो दूसरी परिभाषा अपने आप याद हो जाती है। इस परिभाषा में जहाँ समान लिखा वहाँ असमान लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं। तो ऐसा उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में नहीं होते हैं या असमान भौतिक अवस्था में होते हैं उसे कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तो ऐसा उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक तथा उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में नहीं होते हैं। से विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो जिसमें समान भौतिक अवस्था में होंगे वो तो समांगी उत्प्रेरण होगा, जिसमें समान भौतिक अवस्था में नहीं होंगे या असमान भौतिक अवस्था में होंगे वो विषमांगी उत्प्रेरण होगा। अब इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे N2+3H2 2NH3 उत्प्रेरक होगा Fe2। तो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन उत्प्रेरक जो है वो ठोस है और अमोनिया भी क्या है, गैस। तो इसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्था में, क्रियाकारक तो गैस अवस्था में और उत्प्रेरक जो है ठोस अवस्था में, तो ये दोनों होंगे समांगी और विषमांगी। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।